हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है द सेल। तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल यानी कोशिका। तो सेल की जब हम स्टडी करते हैं तो मेनली दो टर्म्स हमारे ध्यान में आते हैं, दो टर्म्स यूज़ की जाती है इस चैप्टर की स्टडी के लिए। कौन कौन सी? एक को तो हम सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, सेल बायोलॉजी। और सेकेंड हम टर्म यूज़ करते हैं साइटोलॉजी। दोनों टर्म्स का मीनिंग है स्टडी ऑफ सेल। दोनों ही जो ब्रांच हैं बायोलॉजी की, इनमें स्टडी हम सेल की ही करते हैं। बट फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? जब सेल की ही स्टडी करनी है तो दोनों अलग अलग टर्म्स देने की क्या ज़रूरत थी, कहाँ रिक्वायरमेंट आई? तो देखो दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल बायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और कैसे सेल रिप्रोड्यूस करता है ये पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब बायो की वो ब्रांच जिसमें सेल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं हम लोग, उसके फंक्शंस देखते हैं और कैसे सेल नंबर में इंक्रीज होते हैं यानी रिप्रोड्यूस होते हैं वो देखते हैं। क्लियर, ये सेल बायोलॉजी है। साइटोलॉजी की जहाँ बात आती है, साइटोलॉजी है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about, in which we study about the structure of cell, structure of cell, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर ही डिफाइन कर पाते हैं, सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में ही देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर है कैसा, उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं और सेल किस तरह बना हुआ होता है। क्लियर, तो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं जो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं सेल की स्टडी के लिए। उनमें फर्स्ट सेल बायोलॉजी, सेकेंड साइटोलॉजी। ठीक है, तो आगे से कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत है नहीं। अब समझने की बात यह है कि हमारे बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें एक्चुअली हम लोगों ने स्टडी किया है सेल का स्ट्रक्चर, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी पढ़ने वाले हैं, सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर में। क्लियर है, तो साइटोलॉजी की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी साइटोलॉजी की, ये देखनी है हमें। साइटोलॉजी समझते हो गए, जहाँ हम सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं वो बायोलॉजी की ब्रांच। तो साइटोलॉजी की स्टार्टिंग हुई टर्म साइटोलॉजी दी, टर्म साइटोलॉजी वॉज गिवन बाय, साइटोलॉजी टर्म दी किसने थी? तो टर्म साइटोलॉजी दी थी एक साइंटिस्ट आते हैं हार्टविग, हार्टविग नाम के एक साइंटिस्ट ने टर्म साइटोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी। सबसे पहले साइटोलॉजी टर्म का यूज हार्टविग ने किया था। क्लियर है, अब ये पर्टिकुलर ब्रांच है बायोलॉजी की, तो ब्रांच का कोई ना कोई फादर भी होगा, तो फादर कौन है साइटोलॉजी का? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के फादर हैं सर रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। इन्हें तुम लोग जानते भी होगे जिन्हें सेल की डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, ऑनर दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सेल ऑब्जर्व किया था। क्लियर है, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा। समझ गए, ये थे रॉबर्ट हुक, इन्हें साइटोलॉजी का फादर माना जाता है। बट ये साइटोलॉजी वो है जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, मतलब इनिशियल फेज है इस सेल स्ट्रक्चर की स्टडी का, जहाँ सबसे पहले पता चला कि ऐसा एक छोटा सा कंपोनेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे सेल नाम दे दिया गया। ठीक है,
बट अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर या साइटोलॉजी पढ़ते हैं, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और अब साइटोलॉजी की ऐसी फेज आ गई है जिसे हम लोग मॉडर्न साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर, मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर हैं सर सीपी स्वानसन। मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर हैं सर सीपी स्वानसन। अभी जो करंट साइटोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं वो साइटोलॉजी, या उसमें जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज या जिस जो भी हम कहें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट या रोल किसने प्ले किया था, वो सर सीपी स्वानसन थे। इसलिए इन्हें मॉडर्न साइटोलॉजी का फादर कहा जाता है। क्लियर है? बात आती है कि हमारे इंडिया में साइटोलॉजी की शुरुआत किसने की, तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी का फादर माना जाता है डॉक्टर एके शर्मा को। डॉक्टर एके शर्मा को इंडियन साइटोलॉजी का फादर बताया जाता है। तो ये साइटोलॉजी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन या कुछ पॉइंट्स थे। जैसे टर्म साइटोलॉजी किसने दी? टर्म साइटोलॉजी एक साइंटिस्ट हुए हैं हार्टविग, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। फिर साइटोलॉजी के फादर, तो इनिशियल फेज में साइटोलॉजी जो थी उसके फादर माने जाते हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, यही रीज़न है कि उन्हें साइटोलॉजी का फादर कहा जाता है। फिर अब जो हम लोग करंट टाइम पीरियड में जो साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं उस साइटोलॉजी का फादर माना जाता है सर सीपी स्वानसन को। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट। फिर इंडिया में स्टार्टिंग किसने की? सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी की, यानी साइटोलॉजी की, तो इंडियन फादर हैं डॉक्टर ए के शर्मा। क्लियर हो गया चारों पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। ये थे कुछ बेसिक पॉइंट साइटोलॉजी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो रॉबर्ट हुक हैं, जिन्हें हम लोग फादर मानते हैं साइटोलॉजी का, उन्हें फादर बताने का रीजन क्या था? उन्हें ही फादर क्यों बनाया गया? बाप तो कोई भी बन सकता है, तो इन्हें ही फादर बनाने का रीजन ये था कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व सेल, खुद के बनाए हुए एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप माइक्रोस्कोप से इन्होंने एक सेल का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था। ठीक है, बट वो सेल कौन सा था जिसे रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया? तो ये सेल था, बट द सेल वॉज ऑफ अ डेड पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क होता है लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े के छोटे से पीस में से उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था। बट ये सेल था क्या? डेड, क्योंकि लकड़ी पेड़ का हिस्सा थी, पेड़ से कट गई, वो कॉर्क के रूप में यूज हुई। लकड़ी कॉर्क होता है, पुराने टाइम में जो ग्लास बॉटल्स होती थी उनके ढक्कन के रूप में यूज किया जाता था, आज भी शैंपेन वगैरह की बोतल में देखने को मिल जाते हैं। तो उस कॉर्क के पीस में ऑब्जर्व किया था इन्होंने सबसे पहले सेल को। ठीक है, क्लियर है? बट वो सेल तो डेड था, आफ्टर ऑल किया तो ऑब्जर्व और डिस्कवर किया कि हाँ ऐसा कोई कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे मैं नाम सेल दे रहा हूँ। तो सेल टर्म आई कहाँ से? बात ये आती है, तो जो टर्म सेल है ना, टर्म सेल वो आई है डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है सेलुला। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है सेलुला, जिसका मतलब होता है होलो स्पेस।
खोखली जगह, होलो स्पेस। और इसी टर्म से हमारे पास टर्म आई है सेल। क्लियर हो गया? तो सेल वर्ड आया कहाँ से? एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है सेलुला, वहां से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है होलो स्पेस। और इन्होंने फर्स्ट टाइम टर्म सेल यूज की थी, यूज द टर्म, यानी इंट्रोडक्शन किया कैसे कि मैंने ये डिस्कवरी की, बताया कैसे लोगों को, तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम टर्म सेल का यूज किया था। तो यूज द टर्म सेल फॉर फर्स्ट टाइम इन हिज बुक। और वो बुक कौन सी थी? वो बुक थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में इन्होंने सबसे पहले टर्म सेल का यूज किया था। क्लियर है? माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक लिखी थी जिसमें सर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले टर्म सेल इंट्रोड्यूस करवाई थी, या टर्म सेल का यूज किया था, और लोगों का बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे एक डेड पीस ऑफ कॉर्क में एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं, जिन्हें मैं ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से सेलुला बोलता हूँ, वहीं से चल करके हमारी टर्म सेल आई है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो अब आगे चलते हैं। ये तो रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी थी जिसकी वजह से उन्हें फादर बताया जाता है, समझ गए? बट रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया वो डेड था, डेड पीस ऑफ कॉर्क का सेल था, तो डेड सेल ही था। ठीक है, तो सबसे पहले लिविंग सेल किस कैसे डिस्कवर हुआ और किसने किया बात आती है वो, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था। ये तो थे रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था, बट वो डेड सेल था। तो हम देखते हैं लिविंग सेल। जब लिविंग सेल की बात आती है तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है एंटोन वॉन लुइनहुक। एंटोन वॉन लुइनहुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर द लिविंग सेल। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया या ऑब्जर्व किया था। और जो लिविंग सेल इन्होंने ऑब्जर्व किए वो कौन कौन से थे, तो बात आती है कि ही ऑब्जर्व प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, एंड मैमेलियन स्पर्म तक को इन्होंने ऑब्जर्व किया सबसे पहले। क्लियर है? तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा, और उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने कई तरह के लिविंग सेल देखे, जैसे प्रोटिस्टा देखे, कुछ प्रोटिस्टा फाइलम के मेंबर्स, बैक्टीरिया वगैरह, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, मैमेलियन यानी ह्यूमन स्पर्म देखा था। क्लियर है? और इन स्ट्रक्चर्स को इन्होंने नाम दिया, इन्होंने सेल नहीं कहा। जिन छोटे छोटे होलो स्पेस कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने सेल कहा था, उन कंपार्टमेंट्स को या उन छोटे स्ट्रक्चर्स को एंटोन वॉन लुइनहुक ने सेल ना कह करके अपनी ही एक पर्टिकुलर टर्म दी थी, तो हम लोग लिखते हैं एंड टर्म देम, एंड टर्म देम एज एनिमल क्यूल, और उन्हें टर्म दी एनिमल क्यूल नाम से, उन्हें कहा एनिमल क्यूल,
कि ये छोटे छोटे एनिमलक्यूल हैं। एनिमलक्यूल का एस्पेक्ट इन्होंने बताया था कि छोटे एनिमल के छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक्चुअल में है भी एनिमल्स के ही पार्ट्स, बट है ये सेल। ये टर्म एनिमलक्यूल एंटोन वॉन ल्यूनहॉक की इंट्रोड्यूस की गई टर्म है, क्लियर है। तो फर्स्ट टाइम डेड सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और जो पहला सेल था जिसकी डिस्कवरी हुई, क्लियर है, वो एक डेड पीस ऑफ कॉर्क का सेल था। फिर लिविंग सेल की बात आती है, लिविंग सेल की बात या लिविंग सेल डिस्कवर किया था एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने, और उसने कई सारे लिविंग सेल्स डिस्कवर किए और उनको एक पर्टिकुलर टर्म दी जिसे हम लोग एनिमल क्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये हुई सेल की डिस्कवरी की बात, लिविंग और डेड। फिर आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी होगी, सेल की सेल ऑर्गेनली पर्टिकुलर स्टेप वाइज स्टेप अलग अलग साइंटिस्ट आए और वो डिस्कवर करते रहे और टर्मिनोलॉजी यूज होती रही। ऐसे चलते चलते सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी कहाँ हुई बात आती है, ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। तो एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन नाम के, रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, डिस्कवर न्यूक्लियस। जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो जाता है सर रॉबर्ट ब्राउन को, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट थे डिस्कवरी के, यानी डेड सेल रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक और न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, ये कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अब आगे चल करके कि सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, कि ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे सेल के बेसिस पे, ठीक है। तो देखो मैं पॉइंट देता हूं, डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स कितने हैं उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं, कौन कौन से, ये तुम लोग वेल नोन हो, जानते हो ये चीज़ें कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। एक तो है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक आता है मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल की हो, तो मैं लिखूंगा सिंगल सेल्ड बॉडीज, सिंगल सेल्ड बॉडी, एक ही सेल की बनी हुई है पूरी की पूरी बॉडी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल की बनी हुई हो, बॉडी कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई कितने भी हो सकते हैं ऐसी बॉडी हो, वो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पढ़ने का रीज़न क्या है, ये पॉइंट यहाँ देखने का रीज़न क्या है, तो हम लोग इस पॉइंट से ये क्लियर करना चाहते हैं कि इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर भी हैं, यानी यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टीसेलुलर भी हैं, समझ गए। तो अगर मैं कहूँ कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है, यानी उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए जितने भी एसेंशियल फंक्शन होंगे वो सारे के सारे एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रहा होगा, क्लियर है। यानी उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए जितने भी फंक्शन होंगे जो एसेंशियल हैं परफॉर्म होने, वो सारे के सारे फंक्शन एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी एक सिंगल सेल की ही है, समझ गए। जब एक सिंगल सेल सारे एसेंशियल लाइफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, कह सकता हूँ या नहीं।
क्योंकि वो सारी लाइफ प्रोसेसेस जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी परफॉर्म करती है, समझ रहे हो, वही सारी लाइफ प्रोसेसेस एक सिंगल सेल सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सिंगल सेल्ड बॉडी भी परफॉर्म कर रही है, यानी वो एक सिंगल सेल भी परफॉर्म कर रहा है, समझ गए। तो जब सिंगल सेल ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक सिंगल सेल पूरी की पूरी बॉडी की बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्लियर है, समझ गए, यही पॉइंट हमें यहाँ देखना है। तो देखो, इस बेसिस पे मैं एक पॉइंट दे सकता हूँ कि सो सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल लाइफ फंक्शंस की, एक सिंगल सेल भी कैपेबल है वो सारे एसेंशियल लाइफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो एक बॉडी कर सकती है। इसीलिए यहां से एक पॉइंट डिराइव होता है कि सो वी कैन से दैट, so we can say that cell is the basic fundamental structural and functional बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर हो गया कि सेल की जो डेफिनेशन है, सेल को जो डिफाइन किया जाता है एक सिंगल टर्म में, एक पर्टिकुलर एक डेफिनेशन में, वो कैसे डिराइव हुई है। वो इसी चीज़ से डिराइव हुई है कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के देखने को मिलते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सिंगल सेल्ड बॉडी सारे लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करती है जो एसेंशियल हैं जिंदा रहने के लिए, फॉर देयर लिविंग एग्जिस्टेंस। तो वही सारे फंक्शन जब एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा है और वही सारे फंक्शन एक मल्टीसेलुलर की पूरी बॉडी परफॉर्म कर रही है, तो हम लोग कंपेयर करके कह सकते हैं कि एक सेल जो है वो किसी भी बॉडी की बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुए पॉइंट, चलो आगे चलते हैं। ये थे जहाँ से सेल की डेफिनेशन डिराइव हुई है, हमारे पास सेल की डेफिनेशन आई है। क्लियर, ये वो पॉइंट था। अब आगे चलते हैं, सेल की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, सेल की डेफिनेशन हो गई, अब एक्चुअल सेल के स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग पे आते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, साइटोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो देखो, जब सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली हमें फर्स्ट पॉइंट हमें मिलता है कि दो साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना शुरू किया, और उन्होंने इस चीज़ को पोस्टुलेट किया एक थ्योरी के रूप में, जिसे हम लोग सेल थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी की, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की स्टार्टिंग होती है तो हमें देखने को मिलता है कि दो साइंटिस्ट थे, दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिनमें से एक तो जर्मनी का था और एक ब्रिटिश इंग्लैंड का साइंटिस्ट था। दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की अलग अलग, और वो दोनों साइंटिस्ट थे, एक तो था मैथ्यू स्टिल्डन एंड थियोडोर स्वान, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने जॉइंटली एक साथ प्रपोज की थी सेल थ्योरी, या सेल थ्योरी के पोस्टुलेट इन दोनों ने एक साथ मिलकर के प्रपोज किए थे। क्लियर है, ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पे डिस्कवरीज करते हैं। जैसे मैथ्यू स्टिल्डन तो करता है इन 1838, और थियोडोर स्वान की डिस्कवरीज हैं 1839 की।
क्लियर है, दोनों अलग अलग टाइम पे डिस्कवरीज करते हैं बट थ्योरी एक साथ देते हैं। ये कौन था? मैथ्यूस चिल्डन। और थियोडोर स्वान कौन था, ये डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्यूस चिल्डन एक जर्मन बोटनिस्ट था, जर्मनी का बोटनिस्ट था। बोटनिस्ट यानी जो प्लांट्स की स्टडी करता हो, ठीक है। और थियोडोर स्वान था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जो एनिमल्स की स्टडी करता हो, ठीक है। इन दोनों ने क्या डिस्कवर किया था और क्या पोस्टुलेट दिए थे जिससे सेल थ्योरी डिराइव हुई है? तो देखो, ये दोनों बताते हैं। पहले हम मैथ्यू स्टिल्डन की बात सुन लेते हैं। मैथ्यू स्टिल्डन कहता है कि इसने डिस्कवर की थी या स्टडी की थी, स्टडी डिफरेंट प्लांट्स, स्टडी डिफरेंट प्लांट्स एंड रिपोर्ट्स द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट प्लांट टिश्यू। मैथ्यू स्टिल्डन ने क्या किया था, इसने अलग अलग प्लांट्स की स्टडी की, ठीक है, और बताया कि प्लांट सेल्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और दूसरा, इसने प्लांट के अलग अलग टिश्यूज का स्ट्रक्चर भी स्टडी किया था। क्लियर है, ये इसकी डिस्कवरी थी, इसकी स्टडी थी। जबकि थियोडोर स्वान ने क्या किया, स्टडी डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स एंड रिपोर्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। थियोडोर स्वान ने क्या किया, इसने अलग अलग एनिमल सेल्स को स्टडी किया, ठीक है, और बताया कि हर तरह के एनिमल सेल के पास एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंपलसरी होता है प्रेजेंट होना, और वो कौन सा है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा लीमा बोलते हैं, ठीक है। इस मेम्ब्रेन की प्रेजेंस हर एनिमल सेल के पास है। जबकि मैथ्यू स्टिल्डन ने क्या बताया कि एक रिजिड सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी प्रेजेंस हर प्लांट सेल के पास होती है। फिर इन दोनों ने एक साथ मिलकर के स्टडी की और पता किया, जैसे थियोडोर स्वान ने एनिमल सेल के बाद प्लांट सेल्स की भी स्टडी की थी। कुछ प्लांट सेल्स को स्टडी करके उसने ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। यानी प्लांट सेल में तो दोनों सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट है। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो अब देखो, ये है जो इन्होंने स्टडी किए वो पॉइंट्स। तो यहाँ से फिर इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, अब आगे चलते हैं कि इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी उसके एक्चुअल पॉइंट्स हैं क्या, ठीक है। तो देखो, ये पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद हम लोग नोट डाउन करेंगे कि बोथ मैथ्यू स्टिल्डन एंड थियोडोर स्वान, बोथ ऑफ देम जॉइंटली proposed the cell theory. इन दोनों ने इकट्ठे या एक साथ मिलकर के सेल थ्योरी प्रपोज की, और सेल थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह बताए जाते हैं कि इन्होंने बताया था ऑल
लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। इन्होंने क्या बताया कि इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग हैं, चाहे वो बाद में उनकी डेथ हो जाए, चाहे डेड हो जाए, उन सब के पास सेल है, ठीक है, वो सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है, क्लियर। ये इनकी सेल थ्योरी का मेन पॉइंट था, इन्होंने यही बताया। इस बेसिस पे बात आती है, पॉइंट ये दिया जाता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर है। तो इन लोगों ने जो प्रपोज की थी सेल थ्योरी, उसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था सबसे, ठीक है, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं, क्लियर है। बट कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर इनकी सेल थ्योरी को नकार दिया, बट रिजेक्टेड, या मैं कहूं फेल्ड, फेल्ड टू एक्सप्लेन, फेल्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजन ऑफ सेल। इन्होंने ये तो बता दिया था कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल की बनी हुई है, सेल से मिलकर के बनी हुई है, बट ये नहीं बता पाए थे कि सेल आया कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कि सेल खुद कहाँ से आया। जब इन्होंने ये सेल थ्योरी प्रपोज की कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, और हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बनी हुई है, तो कुछ साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया कि भाई सेल कहाँ से आया, आया कहाँ से सेल, तो वो ये लोग नहीं बता पाए, इसलिए इनकी सेल थ्योरी हो गई रिजेक्ट, क्लियर है, इसलिए इनकी सेल थ्योरी रिजेक्ट हो गई। फिर कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट आता है, ठीक है, वो साइंटिस्ट इसी सेल थ्योरी को दोबारा उठाता है और इसे कंप्लीट करता है, जिसे हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ की कमी इनकी सेल थ्योरी में रह गई थी, यानी कि सेल कहाँ से आया ये बता नहीं पाए थे, वो चीज़ वो कंप्लीट करता है, वो बता देता है, और इस तरह सेल थ्योरी कंप्लीट होती है, जो आज भी हमारे पास एज इट इज़ है स्टडी करने के लिए, क्लियर है। तो वो साइंटिस्ट क्या था और उसने क्या बताया, वो हम लोग देखेंगे। चलो, ये थी सेल थ्योरी थियोडोर स्वान और मैथ्यू शिल्डन की, बट रिजेक्ट होगी। तो फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, एक साइंटिस्ट आते हैं इन 1855, रुडोल्फ विर्चो। 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने प्रपोज किया, प्रपोज्ड क्या प्रपोज किया, इन्होंने जो प्रपोज की थी उसे हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, सेल लीनिएज, सेल लीनिएज थ्योरी, सेल लीनिएज थ्योरी प्रपोज की थी रुडोल्फ विर्चो ने। सेल लीनिएज थ्योरी में रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया, सेल लीनिएज थ्योरी में रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि ओमनिस सेलुला, ई सेलुला, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला। अब इसका मीनिंग क्या है, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला क्या होता है, सेल लीनिएज थ्योरी दे दी मैंने, सेल लीनिएज थ्योरी भी बता दी, पर तुम्हारे घंटा पहले नहीं पड़ी। रीजन कि ये लैंग्वेज हमें नहीं आती, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला क्या माया है, क्या मतलब है इस चीज़ का, तो वो चीज़ समझो कि ओमनिस सेलुला, ई सेलुला का मीनिंग होता है द सेल, द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग,
सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि कोई भी सेल है ना वो उससे पहले प्रेजेंट सेल से बना है, ठीक है। यानी कोई एक सेल है वो किस से बना है, यही तो पॉइंट था जो वो थियोडोर स्वान और मैथ्यू शिल्डन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन इसने किया कि कोई भी सेल है वो उससे पहले प्रेजेंट सेल से बना है। अब पूछेंगे पहले वाला, तो वो उससे पहले बस यही गोली दी थी इसने कि सेल हमेशा अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। और ये बात मानी भी गई, लोगों ने मानी भी और सही भी है एक्चुअल में, तो क्योंकि सेल अराइज होते हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही। क्लियर है, समझ गए। तो देखो ये इस पॉइंट के मिलने के बाद ये पॉइंट सेल थ्योरी के साथ जब जोड़ा गया तब जा करके सेल थ्योरी कंप्लीट होती है और जिसे हम लोग आज एट प्रेजेंट पढ़ते हैं। अब ये सेल थ्योरी जो प्रेजेंट सेल थ्योरी है ये दी गई थी तीन साइंटिस्ट के द्वारा, थियोडोर स्वान, मैथ्यू स्टिल्टन और रोडोल्फ विर्चो, और इन तीनों को इस सेल थ्योरी के लिए बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्लियर है। तो अब सेल थ्योरी में तीनों पॉइंट क्या आए हैं, सॉरी दोनों पॉइंट क्या आए हैं तीनों साइंटिस्ट ने जो दिए वो हम लोग देख लेते हैं। कंप्लीट सेल थ्योरी है क्या, तो देखो सेल थ्योरी जो एक्चुअल में है उसमें दो पॉइंट्स आते हैं। पहला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स, सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं सेल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी। सेकंड कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि कोई भी सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बना है या प्री एग्जिस्टिंग सेल ने किसी सेल को बनाया है। क्लियर है, समझ गए। तो यहाँ सेल थ्योरी होती है कंप्लीट। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल थ्योरी के और इसी के बेसिस पे बताया जाता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।